नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं डीएसके टॉक्स। भाई ये जो वीकेंड का वार आया, ये वीकेंड का वार हालांकि 50% पकाऊ था, लेकिन 50% बहुत ज्यादा झकास था और मुझे अंदरूनी तौर पर बड़ी ज्यादा खुशी और खुशी से ज्यादा प्राउड फील हो रहा है। सलमान खान ने जिस तरीके से आज शो को होस्ट किया, जिस तरीके से उन्होंने और जो कॉलर्स आए थे, सिर्फ सलमान खान ने ही नहीं बल्कि जो कॉलर्स के थ्रू मैसेज भिजवाए गए, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि जो मेरे मेरा मिनी वीकेंड का वार प्रस्तुत किया था, जिसमें मैंने जो पॉइंट रेज किए थे, जैसे कि वो जो टास्क, राक्षस वाली टास्क, आसिम ने बहुत ब्रिलियंट परफॉर्मेंस किया था, उसकी टनल को ठूस ठूस के भर दिया था, जो कि शुक्ला को अंदर नहीं दिखा और उसके फैंस को बाहर नहीं दिखा था। अंदर शुक्ला ने आसिम को मतलब इग्नोर करना शुरू कर दिया था एंड बाहर तो वो गाली गलौज वगैरह हो ही रहा था। प्लस मैंने एक पॉइंट और रेज किया था कि जो शेफाली, हिमांशी, भाव, ये जो लोग भेड़ चाल में बिलीव करने लगते हैं, सिड ने बोल दिया कि कैप्टन लड़की बनेगी, तो ये पॉइंट भी रेज करने का मैंने बोला था। चाहे वो कैप्टेंसी रही हो या इस वीक का जो ट्रेंडिंग टॉपिक था वो राक्षस वाली टास्क और विशाल का जो दो कश्तियों में सवारी करना और सडनली उस पर ट्रस्ट करना सिड का, ये कुछ पॉइंट्स थे जो कि मैंने रेज किए थे और सलमान खान ने यहाँ पर वो सारे पॉइंट्स बड़े ही बेबाक तरीके से उठाए। मुझे बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। खुशी इसलिए नहीं हो रही कि मेरे पॉइंट उठाए, खुशी इसलिए हो रही कि जिस सही बंदे का काम जो था उसको अंदर शो के अंदर सब लोगों ने इग्नोर कर दिया था और बाहर सोशल मीडिया पर एक बहुत जबरदस्त ट्रेंड चलाया जा रहा था, आसिम को ही गलत साबित किया जा रहा था, जबकि गलत सिड था और सिड इस एपिसोड में कहीं ना कहीं गलत साबित हो गया है। इसी एपिसोड के अंदर स्टार्ट में वो जो एक दूसरे के गले में तख्तियां टांगने वाला जो काम चल रहा था, उसमें भी हमने देखा था सिड एंड आसिम का छोटा मोटा आर्ग्यूमेंट हुआ था और यहाँ इस एपिसोड में एक बात और प्रूव हो गई है कि सिड को आसिम की जरूरत है। जैसे ही सलमान खान ने आसिम को अप्रिशिएट किया, आपने देखा भारत मिलाप हो गया। इनका भारत मिलाप तो होना ही था, लेकिन अब जिस तरीके से हुआ है, कहीं ना कहीं बाहर एक स्टेटमेंट आया है कि सिद्धार्थ शुक्ला चाहता तो पैचअप पहले भी कर सकता था, लेकिन जब सलमान खान ने चीजें क्लियर कर दी है और सिद में इतना दिमाग है सिद्धार्थ शुक्ला में कि बाहर जो दिख रहा है तो भैया मैं नेगेटिव दिख रहा हूं, तो तुरंत फुरत में आसिम से आके पैचअप कर लो। कहीं ना कहीं ये बात तो साबित हो चुकी है कि सिद्धार्थ शुक्ला को जब तक फीडबैक नहीं दिया जाएगा उसमें खुद में इतना दिमाग नहीं है कि क्या सही है क्या गलत है। यही तो चीज थी जो कि मैंने हाईलाइट की थी। तुम बस अपने जुनून में लगे थे कि नहीं अरहान पार कर सकता, तुम क्यों नहीं पार कर रहे हो? तुमने एक बार भी जाके देखा उसकी टनल में कि वो कितनी जैम पैक्ड है? तुम बस हाथ में कॉफी का कप लिए और विशाल के साथ खड़े खड़े ये जो एटीट्यूड है ना शुक्ला का, ये बहुत गलत एटीट्यूड है, बहुत ज्यादा गलत एटीट्यूड है। एंड मैंने कि मैंने उसी एटीट्यूड को हाईलाइट किया जो कि अब सलमान खान ने भी यहाँ पर कहीं ना कहीं साबित कर दिया कि भाई आसिम ने बहुत ज्यादा एफर्ट किया था, उसके एफर्ट्स को घर वालों ने नहीं देखा लेकिन हम जैसे लोगों ने देखा और उसे एक्सप्रेस भी किया। हालांकि ये जो एपिसोड की स्टार्ट हुई थी, ये एपिसोड की स्टार्ट से वीकेंड का वार तो लग ही नहीं रहा था। सीरियसली बता रहा हूँ, 35 से 36 मिनट, आई थिंक 35 टू 36 मिनट का ये जो स्टार्ट में जो टास्क था, ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वीकेंड का वार है। एकदम नीरस, बोरिंग, पकाऊ, ऐसा लग रहा था मंडे नॉमिनेशन टास्क चल रही है। तो मंडे टू फ्राइडे हम यही बकवास देखते हैं, अपने वीकेंड पर भी तकरीबन आधा घंटा यही बकवास दिखाई है। और ये बकवास को मैं बकवास इसलिए बोल रहा हूँ, डेबोलिना कौन से एंगल से एंटरटेनर लगती है, शेफाली कौन से एंगल से दिशाहीन लगती है, बताइए। ये घर वालों के शायद बिग बॉस हमें दिखाना चाहता था कि इन घर वालों में ढक्कन जैसा दिमाग है और कुछ नहीं है। शेफाली को दिशाहीन बोल रहे, जबकि शेफाली जैसा क्लियर माइंडेड इंसान घर के अंदर कोई है नहीं, उसको ये दिशाहीन बोल रही थी वो फेफड़े जैसे लिप्स वाली लड़की जो खुद दिशाहीन है, और डेबोलिना एंटरटेनर लग रही घर वालों को। अरे एंटरटेनर भाई, अगर वो एंटरटेनर है तो फिर तो हिंदुस्तानी भाव और सना को चुल्लू पर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। ये तो बहुत बड़ी तौमत थी इन दोनों के ऊपर कि इनकी मौजूदगी में घर वालों को डेबोलिना लग रही है एंटरटेनर। ओ माय गॉड, ये तो अपने आप में बहुत बड़ी विडंबना वाली बात है यार। मतलब जितने एंटरटेनर है, मैं भी अपने आप को एंटरटेनर समझता हूँ, तो मुझे तो खोपड़ी पे बंदूक लगा के उड़ा लेना चाहिए भाई, जीने का हक ही नहीं फिर हमको तो। अगर डेबोलिना उप्स पोटिलिना उप्स डम्बोलिना उप्स डेविलिना एंटरटेनर मानते हैं घर वाले उसको, तो आप इनके घर वालों की सोच तो आपने देखी, जिस सोच को करारा लपड़ दिया है जब सलमान खान ने आते से ही जो गले में जो पट्टे पड़े थे वो चेंज किए गए। लीडर का टैग डिजर्व करती थी शेफाली, क्योंकि कोई माने ना माने, दूसरे ग्रुप वाले वैसे भी नहीं मानने वाले, लीडर तो है
और बायस्ड बायस्ड बोला उसको, ये पॉइंट भी मैंने अपने वीडियोस में उठाया था, अगर आप कहती है, अगर सामने वाला ग्रुप कहता है कि सिद्धार्थ शुक्ला को सिर्फ एक ड्यूटी दी गई तो वो बायस्ड है, एक ड्यूटी तो माहिरा को भी दी गई थी, तो वहां पे क्यों मुंह में दही जम जाता है क्या, या मुंह में कुछ और भर जाता है? अपने अपने नजरिए से सबको चीजें देखते हैं, सिर्फ घर के अंदर नहीं बाहर भी यही चीज है। और आज तो मैं बोलूंगा शुक्ला की तारीफ कर दो ना तो लोग मेरे को बड़ा भाई मानते हैं, और शुक्ला की अगर मैंने गलती हाईलाइट कर दी, मैं आपको बताऊं मुझे पता चला फेसबुक पर भाई डेडिकेट पेज बन गया है डीएस को गाली दो, मतलब लोग पेज बना बना के दूसरों के रिव्यू में जा जाकर यू नो गालियां देते हैं, डिबेट करते हैं और मेरे खिलाफ पता नहीं क्या क्या बकवास करते हैं। एंड कहीं ना कहीं मैं बहुत खुश हूं कि सलमान खान ने जो एक मेरा नजरिया था उस पर आज एक मोहर लगा दी है, ठप्पा लगा दिया है, जो चीज मैंने बोली वो चीज आज एक यूनिवर्सल ट्रुथ बन चुकी है कि असिम वॉज राइट एंड शुक्ला वॉज एब्सोल्यूटली रॉन्ग, कोई कॉन्ट्रीब्यूशन था ही नहीं। खेसरी लाल यादव का कॉन्ट्रीब्यूशन बहुत अच्छा था, उनको अप्रिशिएट किया, उनका जो टनल में वो जो बोरी वगैरह भरने का था उसको तो विशाल ने भी हाईलाइट किया था, आसिम ने भी हाईलाइट किया था, लेकिन इस ये जो टीम है ना ये बहुत बड़े कंफर्ट जोन में थी, ये ऐसा करके समझ रहे थे सब कर लिया, झंडे गाड़ दिए। हालांकि ये जो हिंदुस्तानी भाव की पादापूदी पादने की प्रक्रिया के ऊपर आई थिंक 5-10 मिनट जबरदस्ती बोला गया, हाँ हिंदुस्तानी भाव की जो भाषा है इसके ऊपर हिंदुस्तानी भाव ने ही घर वालों को बढ़िया तरीके से जवाब दिया। और कहीं ना कहीं मैं इस चीज से इत्तफाक रखता हूँ, माहिरा खुद इतनी गाली देती, पारस खुद इतनी गालियां देता है तब चलता है, अगर हिंदुस्तानी भाव ने पिछवाड़े को कुछ और बोल दिया तो सबको हायतबा मचती है, ये तो दोगलापन है ना एक तरह का, और ये दोगलापन मैंने अपने कल के रिव्यू में भी बोला था, अगर हिंदुस्तानी भाव उसके बड़े होंठ वाली छिपकली बोलता है तो बहुत गुर्दे जल गए थे इन सब के लड़कियों के, लेकिन जब ये हिंदुस्तानी भाव बोल रहा था तब तो सब ऐसे इसमें करके हंस रही थी, वहां तो माहिरा ने भी ऑब्जेक्शन नहीं लिया था। आज तो पारस के मुंह में भी बड़ी जबान आ गई, वो चमड़ी गिरी बहुत बड़ी वाली गाली है, तूने तो आसिम की माँ बहन तक गाली पहुंचा दी थी, तो चमड़ी गिरी तेरी ले गाली है तो फिर कल तो सुनता क्यों रहा, तू तो कल खुद ही दूसरों को बोला था नहीं नहीं चल रहे तो चल रहे तो चल रहे तो चल रहे, ये दोगलापन क्यों? तो ये दोगलापन जो इन लोगों का उसको हिंदुस्तानी भाव ही ठीक कर सकता है। भाई मैं ना हाथ जोड़कर निवेदन करूंगा हिंदुस्तानी भाव से, हिंदुस्तानी भाव आपके वीडियो मैंने भी देखे हैं और आपका जो स्ट्रेट फॉरवर्ड ब्लंट अंदाज है ना भाई यही रखो, ये घर वाले इसी लायक हैं, प्यार से पपोलने जाओगे ना तो सर पे चढ़ के मूतेंगे, इसलिए जो अंदाज आपने पिछले 2-1 दिन से रखा है ना वही अंदाज रखो, वरना बाहर आपकी इमेज कचरा हो जाएगी, लोग क्या समझेंगे अरे यार हिंदुस्तानी भाव वीडियो यूट्यूब पर कुछ भी बड़ी बड़ी बातें करता है, अंदर देखो किसे कूद रहा है, नाच रहा है, पाद रहा है, मुंह पर बोलो बिंदास बोलो, ये एटीट्यूड और ये जो एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड अंदाज है आपका वो बहुत अच्छा लगता है, ये पॉलिटिकली करेक्ट होना, ये डिप्लोमेटिक होना, ये अपन जैसे मतलब आपको या मैं सूट नहीं करता भाई अपनी पर्सनैलिटी को, ये डिप्लोमेटिक होना, जो है सो है, गलत है तो गलत है, सही है तो सही है, बीच में नहीं नहीं ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ ये अंदाज अपने को नहीं जमता भाई, मैं आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से बात करते हुए देखना चाहता हूँ, जो है मुंह पर जमे तो जमे नहीं तो निकल पहली फुर्सत में, ये अंदाज आप कंटिन्यू करो। सो ओवरऑल अगर मैं कहूँ एक बॉटम लाइन के रूप में इस एपिसोड के बारे में, तो अगर मैं स्टार्ट का आधा घंटा हटा दूं तो बाकी का जितना भी पार्ट था वो बहुत इंटरेस्टिंग था, सलमान खान ने जिस तरीके से एक ऑडियंस का फीडबैक दिया है घर वालों को, घर वाले भी दूध के धुले नहीं है, घर वाले जैसे विशाल उसने पहले ही बोल दिया कि सर 1 घंटा दिखता है बस, भाई ये 1 घंटा दिखता है इस चीज के ऊपर सिर्फ विशाल ही नहीं मुझे भी मेरे वीडियो के नीचे कई कमेंट आते हैं कि भाई ऐसे कैसे जस्ट कर लेते हो, भाई ऐसा है ना कि 1 घंटा हमको दिखता है लेकिन ये 1 घंटा हमको सिर्फ आज नहीं दिखा है, ये 1 घंटा हमें पिछले 48 डेज से दिखाई दे रहा है और 48 दिन मतलब 48 घंटे ठीक है, और किसी को जज करने के लिए या किसी की पर्सनैलिटी को परखने के लिए आप उसको 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट देखते हो आप आकलन लगा सकते हो, और आपको वही इंसान अगर पिछले 48 दिनों से दिख रहे हैं भले ही वो 1 घंटे दिखाई दे रहे हैं तो हम में इतनी अकल तो है कि हम जो वो बातें कर रहे हैं उसका बैकग्राउंड समझ सकते हैं वो क्या था क्या नहीं था, आजकल तो खैर थी कि अनसीन वनसीन भी आ चुके हैं लेकिन अनसीन वगैरह जब नहीं होते थे हम बिग बॉस को तब से देख रहे हैं और अब तक हमारे आकलन या ऑब्जर्वेशन इतने भी गलत नहीं गए हैं कि 1 घंटे वाली लॉजिक यू नो हमको कन्विंस कर पाए कि नहीं आप गलत हो ऐसे हो वैसे हो, ये 1 घंटे वाला लॉजिक विशाल जैसे लोग या कुछ लोग अपने हिसाब से परख सकते हैं, मैं इस चीज को 48 दिन के हिसाब से देखता हूं और
कहीं ना कहीं मेजोरिटी जो ऑडियंस है ना वो इस बात से इत्तफाक रखती है। तो बाहर का जो फीडबैक है, तो कॉलर्स के जो फीडबैक, रश्मि तो अपनी गलती कभी मानती है नहीं, तो आप कौन सी मानने वाली है। अरहान बड़ी बड़ी बातें करके आया था, तो बोल बच्चन का जो टैग दिया था इन लोगों ने हिंदुस्तानी भाव को, वो तो मैं तब से समझ रहा था कि अरहान को दो, यही डिजर्व करता है बोल बच्चन। लेकिन चलो ठीक है, सलमान खान ने आके दुरुस्त कर दिया, जो कि काफी अच्छी बात है। तो जो टैग्स, घर वाले तो अपने हिसाब से बंदरबाट करते हैं, भेड़ चाल में चलते हैं, और भेड़ चाल वाला पॉइंट तो हिंदुस्तानी भाव ने भी यहाँ पर उठाया था। कई सारे फीडबैक इनडायरेक्टली, डायरेक्टली तो सलमान खान ने बोला नहीं, लेकिन कॉलर्स के थ्रू या उस गले में पट्टे के थ्रू, परसेंटेज वाइज, कंटेंट वाइज। सो कहने का मेरा मतलब है कि समझदार को इशारा काफी होता है अगर वो समझने की इच्छा शक्ति रखता है तो, और अगर जो बेवकूफ है तो फिर तो वो इतने दोनों से डायरेक्टली समझा रहे हैं तब भी कुछ बेवकूफ नहीं समझ पाए, तो फिर उनका क्या किया जा सकता है। बेवकूफ डायरेक्टली नाम लेता हूँ, मायरा जैसे लोग, रश्मि जैसे लोग, डेबोलिना जैसे लोग। डेबोलिना तो अव्वल नंबर की एक्टिंग करी, और इस एपिसोड में भी वो आओ सजना मांग भरो तिलक लगाओ, और वो दिन दूर नहीं जैसे डेबोलिना अप्रिशिएट करी सिद्धार्थ को, उसकी गोदी में आके बैठेगी भी कल। मायरा भी यहाँ सिद्धार्थ शुक्ला जी कर रही है, हो सकता है कुछ दिनों में आपको रश्मि दिख जाए सिड के आसपास। सिड से फुटेज मिलता है सबको भी, ये बात तो 110% श्योर है। और ये जो दूसरा ग्रुप है वहां की लड़कियों का सिड के पास आना, इसी बात की एक निशानी है कि उनको सिड के साथ रहकर ही दिखना है। सो कहीं ना कहीं इन लोगों को मैं एक ही सलाह देना चाहूंगा, एक ही मशवरा देना चाहूंगा, खुद की शख्सियत बनाओ। अभी पिछले 2-1 दिनों से हम देख रहे हैं कि आसिम अकेला है, उसको सिड उसके ग्रुप से सना और आरती ने आग लगा के अलग कर दिया। लेकिन ऐसा नहीं कि वो अकेला है तो वो दिख नहीं रहा है, दिख वो भी रहा है, पार्टिसिपेशन उसका भी है, और विशाल जो कि अभी नया आया है वो भी दिख रहा है। तो अपना एक फर्म स्टैंड रखो, जहां गलत है वहां गलत को गलत बोलो, भेड़ चाल में मत चलो। ये मायरा जैसे लोग या पारा जैसे लोग जो बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना बन के कूद जाते हैं, इनको लगता है कि हम बोलेंगे तो बस, अरे फालतू बकवास में भी बचड़ बचड़ करोगे ना तो लोग इरिटेट हो जाते हैं। ऑडियंस उसी को पसंद करती है जो गलत बात को गलत बोले एपिसोड के अंदर, सही चीज पर एक फर्म स्टैंड ले। आप यकीन नहीं मानेंगे कि जो मायरा के फेफड़े जैसे लिप्स हैं, बड़े लिप्स, इसके ऊपर सो कॉल्ड फेक फेमिनिज्म वालों को बहुत ज्यादा ऑब्जेक्शन है, लेकिन हिंदुस्तानी भाव ने जो बात की कि ये बकवास तो पारस इतने दिनों से कर रहा है, तब ना डेबोलिना ने ऑब्जेक्शन लिया, ना मायरा ने ऑब्जेक्शन लिया, ना ये रश्मि ने ऑब्जेक्शन लिया। हिंदुस्तानी भाव के बोलने पर सबको ऑब्जेक्शन हो गया, जबकि मौके पर ये भी हंस रहे थे। तो ये सो पब्लिक को ये सारी चीज दिखाई देती है। हालांकि पब्लिक का जो कुछ हिस्सा है ना वो है पढ़े लिखे गंवारों का, जो सब कुछ होते हुए दिखता है उसके बाद भी एक अंधी भक्ति की पट्टी बांध लेते हैं, उन्हें उसके अलावा कुछ और दिखाई नहीं देता है। इतने सारे कैमराज हैं, इतने सारे क्लिप्स अवेलेबल हैं, उसके बाद भी लोग अपनी ही चलाते हैं। और फिर ये वही लोग हैं जैसे ही मैंने कल भी कहा था, कपिल शर्मा अपने जोक्स में बॉडी शेम करता है तो हंसी आती है। अच्छा, बॉडी शेम से याद आया कि इसी एपिसोड में शेफाली ने भी तो क्लियर कर दिया कि सना को भैंस बोलते हैं तो सब कुछ चलता है, लेकिन अगर भाव ने बोल दिया बड़े लिप्स वो छिपकली तो गुर्दे छिल गए। तो बिग बॉस के अंदर मैं समझ रहा हूँ शेफाली है, हिंदुस्तानी भाव है, और आसिम भी, जो कि बढ़िया तरीके से बातें करते हैं, एंड इन सब के ऊपर सिद्धार्थ शुक्ला, जिसके लॉजिकल पॉइंट्स तो मतलब सामने वाले को क्लीन बोल्ड कर देते हैं, उसके वन लाइनर्स, एंड जिस सार्कास्टिक तरीके से वो रिप्लाई देता है सामने वाली टीम को, मतलब माइंड ब्लोइंग हो जाता है। ये कुछ ऐसे लोग हैं जो कि मैं एक्चुअली मैं काफी दिनों से इनको पसंद भी कर रहा हूँ, इन्हें अप्रिशिएट भी किया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये गलत करेंगे तो मैं उसके ऊपर नहीं बोलूंगा। मुझे दिक्कत तभी होती है जब इनके ब्लाइंड फैंस, ये जो मैं गलतियां हाईलाइट करता हूँ ना, वो गलती देखने के बजाय उल्टा मेरे ऊपर ही चढ़ने लगते हो। चलो ठीक है, चढ़ो, लॉजिकल पॉइंट्स लाओ, ठीक है, गलत साबित करो तो मैं सही भी मानू आपको, लेकिन जब आपके पास कोई लॉजिक नहीं होते हैं, आपके पास कोई पॉइंट नहीं होते हैं, तो आप पर्सनल जाते हो मेरे ऊपर, और मेरे ऊपर पर्सनल जाने वालों को तो फिर मैं घर तक छोड़ के आता हूं। खैर, आज मूड काफी अच्छा है क्योंकि एपिसोड में मुझे बहुत अच्छा लगा, मेरी बोली बातें, मेरे बोले पॉइंट्स सलमान खान और चैनल ने कहीं ना कहीं एक्सप्रेस किए एपिसोड के थ्रू। अरहान जो कि बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, भाई कल निकल जाएगा, अरे इसको तो जाना ही था, बहुत बात कर रहा था, भार मिल शुक्ला, देख लूंगा भार मिल शुक्ला। अब बेटा तू बाहर ही मिल जाके, शुक्ला आएगा फिर से मिलने 1-2 महीने के बाद, तब तक तू बाहर चने खाका के इंतजार कर, भार मिल। सो इस एपिसोड का रिव्यू मैं यही खत्म करता हूँ। आसिम को अप्रिशिएट किया सलमान खान ने, वेरी फर्स्ट टाइम, पहली बार, काफी अच्छा लगा, और उसका अप्रिशिएशन देख कर ही सिद्धार्थ की आंखों से नफरत का, घमंड का, ईगो का वो जो पर्दा था, जो पट्टी थी वो हट गई, और जाते से ही उसने
हग कर लिया भाई, हग करना था तो एक दिन पहले कर लेते ना, 2 दिन पहले कर लेते। तब तो आप एटीट्यूड अहंकार मगरूर इतने थे कि आपको लग रहा था कि आप ही सही हो, जनता ने और होस्ट ने बता दिया है कि सही कौन है। चलो कोई बात नहीं, जब जागो तब सवेरा। हम तो इस ग्रुप के लोगों को साथ ही देखना चाहते हैं क्योंकि ये ग्रुप हमें अच्छा लगता है, पॉजिटिव लगता है। बाकी दूसरा ग्रुप है वो पिछले सीजन के कचरा क्लब की तरह झूठे मक्कार दोगले लोग हैं, उनको तो मैं वैसे भी पसंद नहीं करता। कोई पॉटी लीना, कोई कद्दू, तो कोई फेफड़े जैसा लिप्स, तो कोई कुछ, तो ऐसे दोगले लोगों को तो मैं पसंद करता नहीं। इस ग्रुप के लोगों को पसंद करता हूँ, बट इसमें आरती और सना को मैं पसंद नहीं करता, पहले ही बता देता हूँ मैं। शेफाली अच्छी लगती है, भाव अच्छा लगता है, हिमांशी अच्छी लगती है, असीम अच्छा लगता है, सिर अच्छा लगता है। बाकी तो इन सबको मैं ना बोलो तो ज्यादा बेटर। तो आप अपने कमेंट करके बताइएगा इस एपिसोड के बारे में, एंड आसिम को अप्रिशिएट किया गया इसके बारे में आपको क्या लगता है। घर की जो जो बैचेस दिए गए थे, बोल बच्चन, दिशाहीन, इसके बारे में भी आप कमेंट करके बताइए आपको क्या लगता है, दिशाहीन, बोल बच्चन वगैरह कौन है। ठीक है, कमेंट करके बताइएगा आपके ओपिनियंस। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। डीएस के डॉक्स, आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।